यहाँ हमारा पालक है, अभी पालक में नहीं है वो मसाला है। चलिए सब अच्छा बात करते हैं। देखिए अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपको जानना है कि मैं क्या बनाई हूँ या क्या चीज़ है, तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दी हूँ, ये पालक और गोश्त है। ये देखिए हमारा बन के एकदम रेडी हो चुका है फर्स्ट क्लास। अब हम इसको खाना है तो आ जाइए हमारे घर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहें। आज मैं कुछ स्पेशली करने जा रही हूँ। तो क्या करने जा रही हूँ, तो आइए दोस्तों हम आप लोग को दिखाते हैं आज हमारा ब्लॉगिंग में, मतलब कि पालक साग और ये मटन, पालक साग और मटन आज हम एक में ही डाल के सब्जी दम कुछ खास बनाने वाले हैं। और अभी आप मेरा देख सकते हैं पूरा काम वगैरह सब पड़ा हुआ है और वहाँ भर गैस है, देखिए भात चढ़ा दिए हैं। और अभी हम सारा घर का काम अभी सब लिपना पोतना बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे। पालक को जो था हमने कट कर लिया है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्याज थे, 4 पीस प्याज था बड़े साइज के, तो हमने प्याज को भी कट कर लिया। अभी हम इसको पानी में भिगा के रखा है, पालक को भी पानी में ही हुए। और यह मटन जो है हमारा है, मांस जो है हमारा, मटन यहाँ पे फ्रेश हो चुका है, मटन को धो लिए हैं, ये देख सकते हैं मटन भी हमने धो लिया है। और हमारा यहाँ पर सब कुछ रेडी है, हमने मसाला भी पीस लिया है फ्रेंड। तो चलिए हम आप लोग को बनाना शुरू करते हैं और आप लोग देखिए कैसे तैयार होता है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा जो प्याज है, ये देखिए लाल हो चला है, ये देखिए आधा जो प्याज है वो उसका महक है वो निकल चुका है, प्याज का गंध जो है वो निकल चुका है। अब बस प्याज को खाली देखिए बनाते हैं। और आप लोग भी बना करके ज़रूर देखिएगा कैसा है, और मतलब अच्छा बना है क्या बना है। हम लोग तो देहाती स्टाइल में बनाते हैं, हम लोग के पास तो ना कोई किचन है नहीं कुछ है, बस जो भी है हम लोग के मिट्टी के घर में करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है, ये देखिए फ्रेंड लाल हो चला है, ये देख सकते हैं। इनको चला लेते हैं थोड़ा सा। और विजयरिया जो ब्लॉग जो देखते हैं आप लोग, विजयरिया जो है उन लोग तो दोनों हस्बैंड वाइफ तो अपने में ही बनाते हैं, तो अच्छा लगता है देख करके उन लोगों का कुछ संस्कार प्यार। तो विजयरिया ब्लॉग जो है तो उनके जैसा तो मेरे पति के पास समय नहीं है, मेरे पति तो घर पर रहते नहीं हैं कि हमारा मतलब कि उनके जैसा थोड़ा हेल्प करेंगे, इसलिए मेरे घर में मेरे पति जो हैं काम करते हैं तो वो अपना काम पे चले जाते हैं फ्रेंड। तो हम लोग हाउस वाइफ हैं इसलिए थोड़ा हम लोगों को करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर हमको भी। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए ये देखिए हमारा प्याज जो, तो ये देखिए फ्रेंड मेरा जो प्याज है, ये देखिए लाल हो चला है, ये देखिए आधा जो प्याज है वो उसका महक है वो निकल चुका है, प्याज का गंध जो है वो निकल चुका है। अब बस प्याज को खाली देखिए बनाते हैं। और आप लोग भी बना करके ज़रूर देखिएगा कैसा है, और मतलब अच्छा बना है क्या बना है। हम लोग तो देहाती स्टाइल में बनाते हैं, हम लोग के पास तो ना कोई किचन है नहीं कुछ है, बस जो भी है हम लोग के मिट्टी के घर में करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है, ये देखिए फ्रेंड लाल हो चला है, ये देख सकते हैं। इनको चला लेते हैं थोड़ा सा। और विजयरिया जो ब्लॉग जो देखते हैं आप लोग, विजयरिया जो है उन लोग तो दोनों हस्बैंड वाइफ तो अपने में ही बनाते हैं, तो अच्छा लगता है देख करके उन लोगों का कुछ संस्कार प्यार। तो विजयरिया ब्लॉग जो है तो उनके जैसा तो मेरे पति के पास समय नहीं है, मेरे पति तो घर पर रहते नहीं हैं कि हमारा मतलब कि उनके जैसा थोड़ा हेल्प करेंगे, इसलिए मेरे घर में मेरे पति जो हैं काम करते हैं तो वो अपना काम पे चले जाते हैं फ्रेंड। तो हम लोग हाउस वाइफ हैं इसलिए थोड़ा हम लोगों को करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर हमको भी। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए ये देखिए हमारा प्याज जो, तो ये देखिए फ्रेंड मेरा जो प्याज है, ये देखिए लाल हो चला है, ये देखिए आधा जो प्याज है वो उसका महक है वो निकल चुका है, प्याज का गंध जो है वो निकल चुका है। अब बस प्याज को खाली देखिए बनाते हैं।
और आप लोग भी बना करके ज़रूर देखिएगा कैसा है, और मतलब अच्छा बना है क्या बना है। हम लोग तो देहाती स्टाइल में बनाते हैं, हम लोग के पास तो ना कोई किचन है नहीं कुछ है, बस जो भी है हम लोग के मिट्टी के घर में करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है, ये देखिए फ्रेंड लाल हो चला है, ये देख सकते हैं। इनको चला लेते हैं थोड़ा सा। और विजेरिया जो ब्लॉग जो देखते हैं आप लोग, विजेरिया जो है उन लोग तो दोनों हस्बैंड वाइफ तो अपने में ही बनाते हैं, तो अच्छा लगता है देख करके उन लोगों का कुछ संस्कार प्यार। तो विजेरिया ब्लॉग जो है तो उनके जैसा तो मेरे पति के पास समय नहीं है, मेरे पति तो घर पे रहते नहीं हैं कि हमारा मतलब कि उनके जैसा थोड़ा हेल्प करेंगे, इसलिए मेरे घर में मेरे पति जो हैं काम करते हैं तो वो अपना काम पे चले जाते हैं फ्रेंड। तो हम लोग हाउस वाइफ हैं इसलिए थोड़ा हम लोग ही को करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर हमको भी। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए हमारा भून जाते हुए हो चुका है 5 से 7 मिनट। अब ये देखिए इसमें कितना अच्छा एकदम ग्रेवी कलर आ रहा है, ये आप लोग को दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो है कितना बेहतरीन कलर आ रहा है, ये देखिए अब भुंजा गया है मजे का। देखिए इसमें जो तेल था वो अलग हो रहा है, ये देखिए देख सकते हैं एकदम मजे का लाल हो चुका है भुंजा के। आप अपने हिसाब से भून सकते हैं, आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप भून सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ऐसा ही ठीक रहता है। तो ये देखिए एकदम भुंजा गया है, अगर तो देसी स्टाइल में मिलेगा तो ये देखिए एकदम भुंजा गया। इसमें हम नमक ऐड करते हैं, पहले हम नमक ऐड नहीं किए थे, आप लोग का इच्छा जैसे स्वाद अनुसार नमक हम ले लेते हैं, इसलिए किसने हम पालक को भी ऐड करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे फ्रेंड, थोड़ा हम गल जाएगा हमारा मटन तब ऐड करेंगे। नमक ऐड कर चुके हैं, अब हम इसमें मसाला है जो हमारा, देखिए यहाँ पर मसाला मिक्सर में पीस रखा था, तो जो मसाला सभी लहसुन वगैरह यूज होता है वो सभी डालना है, और कोई अलग चीज़ के मसाला नहीं आते फ्रेंड। तो हम लोग बुका को बता दें कि हम लोग जो है गुड़ा हुआ जितना भी हम लोग का जो पाउडर मसाला है हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग सब मिक्सी में पीस लेते हैं। तो हम लोग सब मसाला को मिक्सी में पहले ही पीस के रख लिया था। ये देखिए मज़े का फर्स्ट क्लास तो हमारा मटन तैयार हो रहा है फ्रेंड। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, ये देखिए। तो हम जलेली मटन को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड, ये देखिए। और यहाँ पर जो हमारा मिक्सी का पानी था हम इसको भी धो के डालेंगे, थोड़ा सा इसको भूंज लेते हैं उसके बाद। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे मटन है उस देखिए बहुत अच्छा से ये भुंजा रहा है और बहुत अच्छा से ये पक भी रहा है। तो इसको हम अब भून मसाला में तो ये सॉरी प्याज में जो हम था मटन को पूरा अच्छे तरीके से भून लिए थे, मसाला में हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा नहीं पीसना है। और आप लोग सोचेंगे कि मैं इसमें कुछ तेज़पत्ता या गरम मसाला वगैरह क्यों नहीं मिलाया, क्यों नहीं ऐड किया। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूं कि हमने तेज़पत्ता और जो गरम मसाला वगैरह थे हमने सब मसाला में खड़ा ही पीस लिया था, तेज़पत्ता भी हमने मसाला ही में पीस लिया था और गरम मसाला भी हमने मसाला ही में पीस लिया था। तो इसलिए इसमें जो है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इसमें हम कोई खड़ा मसाला नहीं डालेंगे, इसलिए हमारे साथ कुछ मजबूरी है, बच्चे लोग को मिल जाता है खाने के लिए तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं, मेरे जो हस्बैंड जी हैं तो हमारे हस्बैंड को भी मिल जाता है तो वो भी बोलने लगते हैं इसको पीस के डाल दिया करो, खड़ा नहीं डाल दिया करो। तो खैर ये सब सबको पसंद नहीं पड़ता है फ्रेंड, इसलिए मैं कुछ इसमें खड़ा ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस जो भी है हमारा मसाला में ही सब पीस के रेडी कर लिए थे पहले ही से। तो ये देखिए अब हम इसको भूनते हुए हमारा 5 मिनट हो गया है, अब इसमें हम हल्का सा आधा गिलास के हिसाब से पानी डाल के, और हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं हम इसको कढ़ाई में ही गलाएंगे। तो हम इसको देखिए आप लोग ये देख सकते हैं बहुत अच्छा भुंजाया है फ्रेंड, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप लोग अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और अब हम इसको में क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें आधा गिलास पानी ऐड करके और इसको हम 10 मिनट के लिए धीमे आंच पे छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए हम आधा गिलास पानी जो है ऐड कर लिया है, ये देखिए
हमारा जो पानी था वो हमने ऐड कर लिया फ्रेंड। अब इसी पानी में ये हमारा जो है पकेगा मटन, सब सीज जाएगा। तो हम इसको धीमा आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंड, और हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए हमारा एक गमला है, हम इसी से इसको ढक देते हैं बराबर। ये देखिए अब हम इसको में गैस को धीमा कर देते हैं। हमने गैस धीमा कर दिया है, तो हम इसको 10 मिनट बाद बीच बीच में चलाते रहना है। 10 मिनट बाद इसको हम, ये देखिए हमारा जो है मटन और पालक हमारा जो है बन के एकदम फर्स्ट क्लास का रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए ना बहुत ही अच्छा बना है, ये देखिए खिला खिला सा एकदम कलर भी इसमें मस्त आया है, ये देखिए। तो ये मेरा बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे फ्रेंड। आप अपना हिसाब से इसमें थोड़ा और इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर हमारे लिए इतना ही ठीक है। ये देख सकते हैं तो एकदम बनकर रेडी हो चुका है फर्स्ट क्लास। तो चलिए वीडियो को शुरू से देखने के लिए थैंक यू, और हमारे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और अपना कोई भी सवाल हो कमेंट में आप कर सकते हैं। और आपको हर इसी तरीका का वीडियो, हर एक तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।